नमस्कार दोस्तों, यह है ज्ञानधारा चैनल। आज हम आपको बुलंदशहर लोकसभा सीट के ऐतिहासिक, भौगोलिक एवं राजनीतिक पक्षों से अवगत कराएंगे। बुलंदशहर लोकसभा सीट देश में संपन्न हुए पहले आम चुनाव 1952 से ही अस्तित्व में आ गई थी, अर्थात यहां पर जो पहला आम चुनाव हुआ वह 1952 में हुआ। बुलंदशहर लोकसभा सीट का क्रमांक 14 है, जो कि उत्तर प्रदेश की एक महत्वपूर्ण सीट है। यह सीट वर्तमान समय में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट है। यह राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से लगभग 130 किलोमीटर की दूरी पर उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है। बुलंदशहर में ही उत्तर प्रदेश का एकमात्र परमाणु विद्युत उत्पादन केंद्र नरौरा में स्थित है। बुलंदशहर लोकसभा सीट की यदि सीमाएं देखा जाए तो गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, अमरोहा, अलीगढ़, बदायूं तथा मेरठ लोकसभा सीटों के साथ लगती हैं, अर्थात इसकी सीमाएं 6 लोकसभा सीटों के साथ लगती हैं। यदि बात करें कि बुलंदशहर लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाली कुल कितनी विधानसभा सीटें आती हैं, तो इसके अंतर्गत बुलंदशहर, अनूपशहर, शिकारपुर, सयाना तथा डिबई विधानसभा सीटें आती हैं। ये सभी जो विधानसभा सीटें हैं ये बुलंदशहर जिले के अंतर्गत ही आती हैं। आइए हम लोग नजर डालते हैं यहाँ के जनसंख्या संबंधी आंकड़ों पर। तो यहाँ की जो कुल जनसंख्या लगभग 24.5 लाख, यहाँ पर ग्रामीण जनसंख्या लगभग 76%, नगरीय जनसंख्या लगभग 23%, यहाँ पर कुल वोटरों की संख्या जो है वो लगभग 17.5 लाख, अनुसूचित जातियों की संख्या लगभग 20%, मुस्लिम आबादी यहाँ पर लगभग 22%, साक्षरता यहाँ पर 69%, वह लिंगानुपात 896 है। बुलंदशहर सीट पर संपन्न हुए अभी तक के जो अगर सभी चुनावों पर नजर डालें तो देखते हैं कि 1952 व 1957 में पहले व दूसरे लोकसभा चुनाव में रघुवीर दयाल मिश्र भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से लगातार 2 बार विजयी हुए। 1962, 1967 व 1971 में क्रमशः तीसरे, चौथे एवं पांचवें लोकसभा चुनाव में सुरेंद्र पाल सिंह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से विजयी होते हुए इस सीट पर जीत की हैट्रिक लगाई। अर्थात यहां पर पहले, दूसरे, तीसरे व चौथे व पांचवें, अर्थात पांचों लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का कब्जा रहा। 1977 में संपन्न हुए छठे लोकसभा चुनाव में बाबू बनारसी दास यहां से भारतीय लोक दल से विजयी हुए, जो कि उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। 1980 में महमूद हसन खान सातवें लोकसभा चुनाव में जनता पार्टी से विजयी हुए। 1984 में आठवें लोकसभा चुनाव में सुरेंद्र पाल सिंह पुनः भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से विजयी हुए। 1989 में संपन्न हुए नौवें लोकसभा चुनाव में सरवर हुसैन जनता दल से यहां से विजयी हुए। 1991, 1996, 1998 व 1999 में क्रमशः 10वें, 11वें, 12वें एवं 13वें लोकसभा चुनाव में बीजेपी से छत्रपाल सिंह लगातार 4 बार विजयी होते हुए इस सीट से जीत की हैट्रिक लगाई। 2004 में संपन्न हुए 14वें लोकसभा चुनाव में कल्याण सिंह बीजेपी से विजयी हुए, ये भी उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, साथ ही वर्तमान में ये राजस्थान के राज्यपाल हैं। 2009 में संपन्न हुए 15वें लोकसभा चुनाव में कमलेश वाल्मीकि समाजवादी पार्टी से विजयी हुए। 16वें लोकसभा चुनाव जो कि 2014 में संपन्न हुए, भोला सिंह बीजेपी से विजयी हुए, जो कि वर्तमान में भी यहां से सांसद हैं। आइए हम लोग बात करते हैं कि अभी तक कौन सा प्रत्याशी यहां से सर्वाधिक बार जीते हैं। उनमें से छत्रपाल सिंह 4 बार, सुरेंद्र पाल सिंह 4 बार, रघुवीर दयाल मिश्र 2 बार, वह सुरेंद्र पाल सिंह 2 बार विजय हुए। आपको बताते चलें कि छत्रपाल सिंह व सुरेंद्र पाल सिंह यहां से जीत की हैट्रिक लगा चुके हैं। यदि बात करें पार्टी वाइज कौन सा जीता है सबसे ज्यादा, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस व बीजेपी यहां पर 6-6 बार जीती है। अर्थात शुरुआत में कांग्रेस का लगातार कब्जा रहा, वह उसके बाद फिर बीजेपी यहां पर लगातार जीती है। अर्थात यहां पर दो राष्ट्रीय पार्टियों के बीच लगातार मुकाबला होता रहा है। यहाँ पर बीएसपी अभी तक खाता नहीं खोल पाई है, जबकि समाजवादी पार्टी यहाँ से 1 बार जीती है। यदि बात करें 2014 के परिणामों की, तो भोला सिंह बीजेपी से 60% वोटों, प्रचंड वोटों के साथ यहाँ पर पहले स्थान पर रहे और विजयी हुए। इन्होंने प्रदीप सिंह को एक करारी शिकस्त दी। कमलेश वाल्मीकि समाजवादी पार्टी से 13% वोटों के साथ तीसरे स्थान पर रहे, हुआ अंज मुस्कान राष्ट्रीय लोक दल से 6% वोटों के साथ चौथे स्थान पर रही। यदि बात करें यहाँ पर जो होने वाले आगामी 17वें लोकसभा चुनाव जो कि 2019 में होने हैं, उनसे कौन किन कैंडिडेट को उम्मीदवार बनाया गया, तो उसमें बीजेपी से वर्तमान में सांसद भोला सिंह को प्रत्याशी बनाया गया है, बंसी सिंह को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से प्रत्याशी बनाया गया है, बीएसपी से योगेश वर्मा को प्रत्याशी बनाया गया है। आपको बताते चलें कि बुलंदशहर लोकसभा सीट से अभी तक कोई भी महिला उम्मीदवार जीतने में सफल नहीं हुई है। इस चैनल को ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आपको जानकारी रोचक लगी है तो कृपया सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आपको नई जानकारी मिल सके लोकसभा सीटों की। धन्यवाद।